सादगी, तीखे तेवर और गरीबों की मसीहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसकी जीत हासिल करने की जिद ने उन्हें दूसरी बार सूबे की मुख्यमंत्री बना दिया। हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, जिन्हें जनता ने एक बार फिर बंगाल का मुखिया चुना है। देखिए एक रिपोर्ट। माँ माटी और मानुष के नारे ने एक बार फिर ममता की मुराद पूरी कर दी है। साल 2011 में लेफ्ट पार्टी के बेहद मजबूत किले को जमी दोस्त कर चुकी ममता बनर्जी ने एक बार फिर बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए बंगाल में सत्ता की चाबी हासिल कर ली है। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट ने ममता को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन दीदी के जादू के आगे किसी की एक ना चली। वैसे ममता की जीत के कारणों की बात करें तो उनकी जन कल्याण योजनाएं जीत की बड़ी वजह मानी जा रही है, चाहे वो कन्याश्री योजना के तहत छात्राओं को साइकिल देना हो या फिर खाद्य साथी योजना के तहत 2 रुपए किलो की कीमत पर चावल गेहूं मुहैया कराना या फिर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए युवा श्री योजना शुरू करना। कहा जा सकता है ममता के इन कामों का जादू बंगाल में नजर आया है। ममता जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। अब आपको बताते हैं कि किस तरह ममता ने राजनीति में एंट्री ली और यहाँ तक पहुंची। बंगाल की टाइग्रेस यानी ममता बनर्जी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं सहा। विधानसभा से लेकर सड़क तक लड़ाइयां लड़ी, बेइज्जती सही, लेकिन कभी हार नहीं मानी। ममता के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर कम उम्र में शुरू हुआ। ममता कांग्रेस पार्टी में एक युवा नेता की हैसियत से काफी सक्रिय रहती थी। 1976 में ममता महिला कांग्रेस की महासचिव चुनी गई थी। 1984 में जाधवपुर संसदीय क्षेत्र से ममता ने माकपा नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया। इस जीत के बाद ममता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो लगातार आगे बढ़ती रही। हालांकि 1989 में ममता को अपने संसदीय क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2 साल बाद ममता को फिर संसद में जाने का मौका मिला। तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार में ममता केंद्रीय मंत्री बनाई गई। 1997 में ममता कांग्रेस से अलग हो गई और 1998 में TMC की स्थापना की। 1999 में ममता NDA में शामिल हुई और उन्हें रेल मंत्री चुना गया। लेकिन इसके बाद 2001 में ममता ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया, लेकिन 2004 में फिर NDA में शामिल हुई। इस जोड़ तोड़ की नीति से ममता को 2006 में गहरा झटका लगा और जनता ने उन्हें नकार दिया। लेकिन 2011 में परिवर्तन का नारा देकर ममता ने सत्ता में वापसी की और अब दूसरी बार लगातार ममता को बड़ी जीत हासिल हुई है। वाकई ममता बनर्जी का राजनीतिक जीवन काफी दिलचस्प रहा है। काफी उतार चढ़ाव ममता ने देखे हैं और शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने आज ममता को सर आंखों पर बिठाया है। देखते रहिए TV Live।